तो इस वीडियो में तुम लोग को ऐसे दो मोमेंट देखने को मिलेंगे जिसमें तुम लोग भाई बोलोगे ये बंदा तो पक्का हैकर है। एक तो भाई एक M24 का शॉट रहता है और एक रहता है भाई एक क्लच रहता है, भाई बहुत मस्त रहता है। तो भाई कैसे हो? तो भाई इस वीडियो में हम आए रहते हैं जॉर्जपुल। जॉर्जपुल में कोई स्क्वाड नहीं आई रहती, एक स्क्वाड आई रहती है वो हम लोग को देख के सिटी चल जाते हैं। फिर वो सिटी वाले बंदे पहाड़ पर से हमारे एक टीममेट को डाउन देता है। तो भाई मेरे पास M24 रहता है बिना स्कोप के, स्कोप नहीं रहती है उस पर। तो भाई वो ये शॉट देखो तुम लोग। पहाड़ी स्कोप है क्या? नहीं तो भाई इस शॉट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई हम लोग इसको नॉक देते हैं, फिर उसके बाद ये रिवाइव होता है, सब स्मोक स्मोक किए रहते हैं, एकदम बढ़िया से इसको बचाते हैं। तो उसके बाद हम लोग चल जाते हैं सीधे रस मारने, हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे भाई देखो गलती सीन होता है, बहुत ही भाई बंदे बहुत ही बड़ी गलती करते हैं यहाँ पे। देखो पहले वीडियो देखो। हाँ नहीं नेट एक डाउन है, दो है, दो डाउन है, प्रेस करो। तो ये भैया यहाँ पे पीक करके किसको देख रहे थे मुझे नहीं पता। तो भाई ये बंदे भाई नॉक हो गए रहते हैं, रिवाइव होके थोड़ा कवर ओवर में बढ़िया से जाना चाहिए, तो ये ब्रोकन वॉल का ही कवर लेते हैं। भाई हम लोग के पास हाई मतलब हाई लोकेशन रहता है, तो भाई इस हिसाब से इन लोग को पहले जान लेना चाहिए ना कि वो पहले स्पॉट हो जाएंगे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। इनका लास्ट बंदा रहता है जो हमारा एक टीममेट वो मार देता है, तो यहाँ पे इनका हो जाता है स्क्वाड वाइप। तो जॉर्जपुल के स्क्वाड हाउस पे भाई ये हमारा एक टीममेट फ्लेयर मंगाया रहता है। तो भाई यहाँ पे स्क्वाड आती है, देखो भाई ये स्क्वाड क्या ही गलती करती है। तो अगर मैं जाता रहता रस करने तो भाई मैं गाड़ी स्क्वाड हाउस पे ले जाता, लेकिन ये बंदे का क्या ही लॉजिक रहता है, गाड़ी सीधे भाई घुसा देता है। वो तो सोचता भाई एक ही बंदा है क्लच मार देंगे, भाई फ्लेयर चलाएं, अकेला बंदा फ्लेयर चलाएगा। तो भाई यहाँ से मारने के बाद हम निकलते हैं, यहाँ का ये क्लच देखो भाई कसम से मज़ा आ जाएगा। जब किला मैं पाया नॉक करने क्या ही सब छोड़ में आए हैं वापस। वॉच आउट मैं डैमेज किया था। तो यहाँ पे दो तीन स्क्वाड रहती है टोटल, जिसमें से एक स्क्वाड के दो बंदे रहते हैं और बाकी फुल स्क्वाड एक रहती है और एक बंदा सोलो रहता है। तो भाई यहाँ पे पूरा गलती सीन रहता है, ये जो सोलो बंदा दूर रहता है वो मुझे यहाँ पे नॉक कर देता है। मैं अपने टीममेट को जाता है रिवाइव देने, तो भाई वो नॉक कर देता है मुझको। इसका नाम देख लो तुम ध्यान से, इसको मैं लास्ट में मारता हूँ, देखो कैसे। तो भाई यहाँ पे मैं नॉक हो गया रहता हूँ, फिर उसके बाद जब हमको यहाँ पे रिवाइव मिल जाता है, हमारा एक टीममेट तो यहाँ ख़त्म ही हो जाता है, लेकिन हमको यहाँ पे रिवाइव मिल जाता है, तो फिर यहाँ के बाद पूरा भौकाल रहता है। देखो भाई क्या होता है, फिर कैसे क्लच होता है ये। जल्दी आओ हीलिंग करने, तो हीलिंग देखो। अरे मुझे पुलिस से मिला रहा है। ओहो एक नॉक है, एक ही बचा है, जाओ मार दो। ऊपर है, ऊपर है, सबसे ऊपर। दो स्मोक है, रिवाइव दे रहा हूँ। बहुत डैमेज है। एक और, दो दो हैं, रिवाइव हो गया, रिवाइव हो गया शायद। दो दो हैं, दो दो हैं, दो हैं आंसू, आराम से। एक और बस लास्ट। अरे पीछे भाई साहब, हद है, किल चला था अपना, किल सिक्योर कर। पबजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भाई रीच ग्लिच। भाई ये इतना होता है ना कि क्या ही बताएं। यहाँ पे हम उस बंदे को इतना मारते, इतना डैमेज देते हैं, लेकिन भाई कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है उसको, तो क्या ही कर सकते हैं। तो भाई इस बंदे को, ये वही बंदा रहता है जो मुझे नॉक दिया रहता है, ये रोटेट करके वहाँ दूर पे चला गया रहता है। तो भाई इसको मैं कैसे मारता हूँ ये देखो तुम पहले। तब तक उस बंदे के पास बॉट जाता है, वो बंदा बॉट मारता है, किल फील्ड में देख सकते हो उसका नाम। तो भाई फिर यहाँ पे ये फाइट बहुत ईजी रहती है, बहुत आसानी से इसको मार देते हैं। इधर ही दो बंदे हैं, जो दोनों हैं, दोनों इधर ही हैं। ये दिक्कत है ना, जो नहीं।
फिर इसके बाद भाई जोन बहुत बड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा रहता है, और भाई केवल दो ही बंदे रहते हैं, एक मैं रहता हूँ एक एनिमी रहता है। तो भाई मैं सोचता हूँ कहाँ उसे ढूंढूंगा, इसलिए मैं उसे एनिमी को गिफ्ट दे देता हूँ, चिकन डिनर। तो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि बॉट निकल जाते हैं, तो भाई ऐसा स्कैम अगर होता मेरे साथ मुझे बहुत गुस्सा लगता है, क्योंकि भाई एक तो मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है, ऊपर से ऐसा ऐसा स्कैम, तो इसलिए मैं यहाँ पे इजली चिकन डिनर उसे दे देता हूँ। देखो फिर करना है भाई, मिलेगा ये 22 सेकंड बाद शुरू हो रहा है, छोटा हो जाएगा फिर तो मिल ही जाएगा। क्या भाई, तुम लोग भी ऐसे कभी किसी को भाई चिकन डिनर दियो? अगर दियो तो भाई कमेंट में बताओ, और भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो भाई मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।